हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगले महीने से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। एंड आपकी प्रिपरेशन में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे फोन नंबर पे, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और इफ यू नीड नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन, स्पेशली दिस सेशन और द नेक्स्ट सेशन, व्हाटएवर, आप हमसे बात कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी नोट्स के साथ, अगर आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। एंड वी हैव रिसेंटली लॉन्च आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जहाँ पे आप मुझसे बात कर पाएंगे रिगार्डिंग वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव। एंड देयर विल बी सम बेनिफिट्स लाइक फ्री असाइनमेंट्स, नोट्स एट जस्ट 200 पर पेपर, एंड ऑन डिमांड लेक्चर्स, एंड मेनी मोर थिंग्स। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप मी एट माई नंबर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। And yes, this is all about what I wanted to say. And let's jump into our topic, which is explain the strategic management process. Okay, a very important topic for the examination. क्या होता है ये? ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 5 marks में हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इसको करते हैं फिर. Okay, so let's start. Now, explain the strategic management process. Strategic management process involves creating a strategic intent, conducting an environmental analysis, formulating and implementing the strategies. Okay, so strategic management process, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक management process है जहाँ पे कुछ activities की जा रही है, जैसे कि environment analysis किया जा रहा है, formulate किया जा रहा है और implement किया जा रहा है strategies को, है ना। जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से करें, और ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप पहले से प्लान करके रखते हो कि इस चीज को मुझे इस तरीके से करना है, राइट ना। तो वो स्ट्रेटेजी जो आपकी होगी, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, आपके एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, जिस एनवायरनमेंट में आप हो, एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्रिएट करना, ये जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें ये सारी चीजें जो है आएंगी। नाउ इट इज द प्रोसेस विच हेल्प्स द मैनेजर्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, है ना। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मैनेजर्स जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो उनको अचीव कर सकें, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी हम जब भी क्रिएट करेंगे, जब भी बनाएंगे, जब भी हम सोचेंगे कुछ कि हमें कुछ करना है, तो वो हमारा कुछ ना कुछ एक गोल होता है, उसको हम अचीव करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से यहाँ मैनेजर्स भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, बट फॉर व्हाट, बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव सम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दे डू इट। Now, strategic management process involves formulating strategies based on organizational competencies and vision and mission of the organization. ठीक है ना? तो आपने vision और mission काफी सुना होगा, मोदी जी के मुझसे भी आपने काफी सुना होगा, हालांकि उसका इस्तेमाल I don't know कितना हो पाता है, but vision और mission का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Vision का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी को या फिर आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें जो है होंगी। लेकिन जब आप कोई टारगेट देते हैं कि चलो 2023, 2024, 2025 तक ये हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अगर आपको 23 तक कंप्लीट करना है, 25 तक कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और उसके बेसिस पे फिर आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका विजन हो इस चीज को इस टाइम तक पूरा करने का, लेकिन आप उसके पीछे फिर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो आप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था। तो स्ट्रेटेजी में ये चीजें होती हैं कि आपका विजन क्या है, आप आने वाले समय में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, है ना, आपका मिशन क्या है, आप ओवरऑल क्या चाहते हो, आप अपने आप को लेकर के कि आप क्या बनो या क्या करते रहो, है ना, क्या क्या चीजें आपको अचीव करनी है। सो दीज आर ऑल विजन एंड मिशन ऑफ योर सेल्फ। मैं आप ये भी पर्टिकुलरली किसी बंदे की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है ना। सबसे पहला तो उनका होगा कि अगर उनका रेवेन्यू मॉडल, अगर उनका रेवेन्यू साल में 100 करोड़ का है, तो अगले साल 200 करोड़ का हो जाए, फिर अगले साल 300 करोड़ का हो जाए, फिर आने वाले टाइम में वो जो है एक यूनिकॉर्न बन जाए, है ना, यही चीज होगी। तो उनका विजन और मिशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें फॉलोइंग एक्टिविटीज होंगी, और इन्हीं एक्टिविटीज के बारे में हम एक-एक करके अभी करेंगे, ठीक है। नाउ एनविजनिंग अ डिजायरेबल फ्यूचर पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया
कि आपका जो डिजायरेबल पोजीशन है, आप क्या चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे हो, किस जगह पे अवेलेबल हो, आप क्या करना देखना चाहते हो, किस जगह पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहते हो। तो इनविजनिंग का मतलब होता है एक तरीके से पहले से ये डिसाइड कर लेना कि क्या जो है आप चाहते हो, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके, स्टेटिंग द बेस वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हो तो उसकी कोई ना कोई कोर वैल्यूज होती है, बेस वैल्यूज होती है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खड़ा होता है कि हम इस चीज में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के जो भी बायर्स होंगे उनको, है ना। तो ये यू नो आपकी बेस वैल्यूज होंगी, आपकी कोर वैल्यूज होंगी। एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट, तो ये तो आपने करना ही है। जब भी आप किसी चीज को लॉन्च करना चाहोगे, जब भी आप कुछ करना चाहोगे, तो वो बहुत जरूरी होगा कि आप अपने जो भी आपका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट है आप उसको एनालाइज करो। लिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ है और यू नो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज है, आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, तो ये वहां से लिया गया है एक तरीके से, ठीक है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और आपकी एनवायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज दोनों को लिंक करना, है ना, क्योंकि कोई भी काम सिर्फ एक चीज के भरोसे नहीं हो सकता, आपको बाकी की सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो करने की काबिलियत ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना, इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है उनको पहचानना और उनके ऊपर एक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। नाउ फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट फीजिबल स्ट्रेटजी, राइट। तो आपको जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज है आपकी, उनको फॉर्मुलेट करना, उनको रेडी करना, और जो मोस्ट फिजिबल होगा, जो सबसे ज्यादा पॉसिबल आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटजी अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो ये मेरा काम तो पक्का हो जाएगा 100%, है ना। जो मोस्ट फिजिबल स्ट्रेटजी होती है उसको इंप्लीमेंट करना, है ना, इंप्लीमेंटिंग द सेलेक्टेड स्ट्रेटजी। तो जो मोस्ट फिजिबल स्ट्रेटजी आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है इवेलुएटिंग द इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजी एंड एक्सरसाइजिंग रिव्यू एंड कंट्रोल। जब आप किसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो तो काम आपका खत्म नहीं हो रहा, वहां पे असल काम शुरू हो रहा है। अब वहां पे फिर आपको कंट्रोलिंग का काम जो है वो करना पड़ेगा। आपने सोच लिया कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है, पर उस काम को करने के लिए कॉन्टिन्यूस वे में उसी तरीके से उस काम को लॉन्ग टर्म में करने के लिए आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। तो उसको रिव्यू करना, उसको कंट्रोल करना, ये आपका अगला पॉइंट हो जाता है। और सबसे आखिर पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ नेसेसरी। अगर कोई मेजर्स लेने हैं, कुछ एक्शंस अगर आपको लेने हैं, तो अगर जरूरी है तो आपको उन करेक्टिव मेजर्स को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ताकि इस तरह की और यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।